मदर टेरेसा, एक आम महिला, एक नन या अब एक संत, आप उन्हें कैसे देखते हैं? मदर टेरेसा वो इंसान थी जिन्हें उनके काम की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता था। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुई थी। उन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया था। चलिए दुनिया की कई महान हस्तियों में से एक मदर टेरेसा से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। उनके जीवन से जुड़े कई तथ्य लोगों को पता ही नहीं होते। लोगों को ये लगता है कि मदर टेरेसा भारत में ही पैदा हुई थी, जबकि ऐसा नहीं है। मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया के स्कोपिये शहर में हुआ था। वो अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में पैदा हुई थी। उनके परिवार के पास 2 घर थे। उन्हें जन्म के एक दिन बाद ही बैप्टाइज किया गया था, इसलिए वो अपना जन्मदिन 27 अगस्त को मानती थी। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस था। पूरा नाम था एग्नेस गोंगशा बोक्शियो। वो अल्बेनियन परिवार में पैदा हुई थी। उन्हें बचपन से ही मिशनरी बहुत आकर्षित करते थे। 12 साल की उम्र से ही उन्हें पता था कि उनका क्या मकसद है। महज 12 साल की उम्र में ही मदर टेरेसा ने इस बात का निश्चय कर लिया था कि वह धार्मिक सेवा से जुड़ेंगी। मदर टेरेसा ने 16 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था और नन बनने के लिए डबलिन की 2 सिस्टर्स के सानिध्य में चली गई थी। 2 साल बाद उनको नया नाम सिस्टर टेरेसा दे दिया गया। वो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो से जुड़ गई थी और इसके लिए वो आयरलैंड गई थी। इसके बाद उन्होंने जितनी भी जिंदगी जी उसमें अपने घर वालों से वो नहीं मिली। आयरलैंड में ही उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत की और फिर दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में आ गईं। 1931 को नन बनने की शपथ ली थी उन्होंने। उन्होंने अपना नाम त्याग कर टेरेसा नाम चुना। वो अपने नाम से संत थेरेस ऑस्ट्रेलिया और टेरेसा ऑफ अविला को सम्मान देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने टेरेसा नाम चुन लिया। कोलकाता में सेंट मैरीज में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया और वहां 15 सालों तक रही। उन्हें गरीबों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। 1946 में दार्जिलिंग रिट्रीट के दौरान ही उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान का संदेश मिला है कि इस देश में सबसे गरीब लोगों की मदद करनी है। उन्हें 2 साल लग गए अपने इस काम को पूरा करने में। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया, उसके बाद लोगों की मदद में जुट गईं। 1951 में उनको भारत सरकार ने नागरिकता दे दी। मदर टेरेसा ने अपनी ड्रेस बदलकर साड़ी कर ली ताकि वो लोगों के बीच आसानी से रह पाए। उन्हें पहले आसान जीवन जीने की आदत थी, लेकिन झोपड़ी में रहना पड़ा और भीख मांगकर उन्होंने लोगों का पेट भरा। उन्हें कई बार कॉन्वेंट वापस जाने का मन भी किया क्योंकि स्लम की जिंदगी काफी मुश्किल थी, पर वो टिकी रही और प्लेग आदि बीमारियों के मरीजों की भी मदद की। 1948 के दौर में भारत वैसे ही अच्छी हालत में नहीं था, ऊपर से गरीबों को ऐसे हालात में कोई ठीक से रखता भी नहीं था। अध्यापन छोड़कर बीमार और गरीब लोगों की सेवा से जुड़ने का ख्याल उनके दिमाग में तब आया जब वह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने कोलकाता से हिमालय की ओर जा रही थी। 1952 में उन्होंने उन लोगों के लिए पहला देखभाल गृह खोला जो लोग मरने के करीब थे और सही देखभाल नहीं हो रही थी। 1957 में अपना पहला चलता फिरता कुष्ठ क्लिनिक खोला। उन्होंने भारत में दशकों तक अपनी सेवा प्रदान की। उनका पहला चमत्कार पश्चिम बंगाल की मोनिका बेसरा से जुड़ा है। 1998 में बेसरा को गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित होने का पता चला था। पश्चिम बंगाल के साउथ दिंजापुर जिले की रहने वाली इस आदिवासी महिला के मुताबिक तब उसने मदर टेरेसा की तस्वीर की पूजा शुरू की, जिससे उनका कैंसर सही हो गया। हालांकि वेटिकन इस महिला के ठीक होने को चमत्कार मानता है, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने उनके मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक होने का दावा किया था। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें ट्यूमर नहीं बल्कि सिस्ट था, जो कि लंबे समय तक चले टीबी के इलाज के बाद ठीक हो गया। मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार का कनेक्शन ब्राजील से है। दिसंबर 2008 में मार्सिलियो नाम का एक शख्स वायरल ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से कोमा में चला गया। जब उम्मीदें खत्म हो गई तब उनकी पत्नी कैथोलिक पादरी की शरण में गई। पादरी ने उन्हें मदर टेरेसा से प्रार्थना करने को कहा। मार्सिलियो की पत्नी फर्नांडा के मुताबिक मदर टेरेसा की प्रार्थना की वजह से ही बीमारी ठीक हुई। मदर टेरेसा को 1962 में पद्मश्री से नवाजा गया।
मदर टेरेसा ने नोबल पुरस्कार से मिली राशि दान में दे दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि उनके लिए कुछ ज्यादा फंक्शन भी ना किया जाए। नोबल पुरस्कार मिलने पर $1,92,000 यानी कि 1,38,42,912 रुपए का बजट एक बड़े जलसे के लिए होता है। उनका कहना था कि ये बजट भारत के गरीबों की मदद में लगा दिया जाए। 1979 में दुनिया भर में बेसहारा लोगों के काम करने के लिए नोबल शांति पुरस्कार, 4 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में आयोजित एक समारोह के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी, और 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में मदर टेरेसा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अल्बेनिया का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मदर टेरेसा के नाम पर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट का नाम एयरोपोर्टी नैने टेरेसा है। तो दोस्तों, ये थी निस्वार्थ मदर टेरेसा जी की कहानी, जिन्होंने अपने हित को पीछे रखकर दूसरों के हित के लिए काम किया, दूसरों की तकलीफ देखी और उस तकलीफ को खुद महसूस किया और उनकी तकलीफ में उनका साथ दिया। बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें मदर टेरेसा से, और शायद अगर हम उनका 1% भी अपने अंदर ग्रहण कर लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आशा करती हूँ कि आज की हमारी मदर टेरेसा जी की कहानी से आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चली होंगी जो शायद आपको पहले से ना मालूम हो। तो ऐसी और भी कहानियां और प्रेरणादायक किस्से मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और जो अभी भी मदर टेरेसा के जीवन से अज्ञात हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली किसी प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।